friends, welcome back to my channel Decor and Haul Stories. Hope you all are doing well. आज मैं एक मेकओवर वीडियो लाई हूँ आप लोगों के लिए. We just got our apartment renovated, so I thought let me share with you the makeover of the foyer area since this is the area which sets the ambience of our home. ये मेरे घर की एंट्रेंस है. यहाँ पर आफ्टर रेनोवेशन हमने एक वॉलपेपर लगवाया है इन अ वेरी सटल कलर गोल्डन ग्रे कॉम्बिनेशन में. अपार्ट फ्रॉम वॉलपेपर हमने ये शू रैक भी बनवाया है. इसको भी हमने गोल्डन एंड ग्रे कलर का थीम दिया है सिंस ये हमारे सोफ़ा से भी मैचिंग है एंड ये हमारे वॉलपेपर से भी मैचिंग है. ये शू रैक भी हमने एक लोकल कारपेंटर से ही बनवाया है. लेट्स स्टार्ट डेकोरेटिंग दिस एरिया. बेसिकली मुझे यहाँ पर दो हैंगिंग ब्रैकेट्स ड्रिल करवाने हैं और एक बड़ा वुडन पैनल ड्रिल करवाना है. तो मेरे हस्बैंड मुझे हेल्प कर रहे हैं हैंगिंग ब्रैकेट्स को स्क्रू इन करने पे सिंस थोड़ा हाइट पर है वो. तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं बता दूं ये दोनों हैंगिंग ब्रैकेट एंड दिस वुडन पैनल ये दोनों मैंने अमेज़ॉन से बाई किए हैं एंड इसकी हॉल मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ. अगर आपने मेरी वो डेकोर हॉल नहीं देखी है तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है. प्लीज़ आप ये वीडियो भी ज़रूर देखें. अगर आपके घर में वॉलपेपर है तो मेक श्योर उस पर आप जो भी वॉल डेकोर लगाए वो क्लम्जी ना लगे. मेरे घर पे येलो एंड ग्रे कलर का वॉलपेपर है तो मैंने इस पर ब्लू कलर का वॉल डेकोर यूज़ किया है जिससे ये उभर कर आए. बेसिकली द आइडिया इज़ टू क्रिएट एन अर्बन जंगल ओवर दिस फॉयर एरिया. तो मैं काफ़ी सारे ग्रीन प्लांट्स बीट लाइव और आर्टिफिशियल यूज़ करने वाली हूँ. सो दोनों हैंगिंग ब्रैकेट्स पर हम एक एक मनी प्लांट बास्केट हैंग करेंगे. ये मनी प्लांट बास्केट मेरे हस्बैंड ने रेडी करी है. ही इज़ अ प्लांट लवर. आप देख सकते हो ये मनी प्लांट बास्केट कितनी बुशी लग रही है एंड दे आर लुकिंग सो फ्रेश. As you can see, सिर्फ प्लांट बास्केट्स ऐड करने से ही इस जगह का लुक बिल्कुल चेंज हो गया एंड इस जगह से कितनी फ्रेश वाइब मिल रही है. टू ऐड मोर ग्रीनरी टू दिस प्लेस हम एक ब्यूटीफुल बैम्बू पाम ऐड कर रहे हैं इस शू रैक के साइड में. दिस ब्यूटीफुल बैम्बू प्लांट इज़ पॉटेड इनटू अ सिरेमिक प्लांटर व्हिच लुक्स लाइक वुड. Now let's move on to the right side of this area. इस right side वाली wall पर हम दो कील लगा रहे हैं ताकि हम conveniently wall decor hang कर सकें. तो ये एक medium size wall decor plate है जिसके पीछे एक hanging hook दिया है. मैं इसे conveniently wall पर hang कर सकती हूँ. ये भी मैंने अपनी डेकोर हॉल वाली वीडियो में ऑलरेडी शेयर कर रखा है. आप लोग चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप वो वीडियो दोबारा देख सकते हैं. आई एम हैंगिंग दिस प्लेट बिलो दी मनी प्लांट. नेक्स्ट मैंने ये हैंगिंग प्लांटर लिया है जो मैं खुर्जा से लाई थी. खुर्जा के प्रोडक्ट्स की वीडियो भी मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखी है. इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में खुर्जा की प्रोडक्ट का वीडियो का लिंक भी शेयर किया है. टू ऐड सम ग्रीनरी टू दिस राइट साइड वॉल एज वेल आई एम टेकिंग दिस ब्यूटिफुल हैंगिंग प्लांट जो मैंने अमेज़ॉन से बाई किया था. इसको मैं इस हैंगिंग प्लांटर में लगा दूँगी. इससे इस राइट साइड वॉल का पूरा स्पेस कवर हो गया है. एंड नाउ द वॉल डेकोर फॉर दिस एरिया इज डन. जस्ट हैव अ लुक बिफोर वी स्टार्ट डेकोरेटिंग द टेबल टॉप ऑफ द शू रैक विद सम ब्यूटिफुल डेकोर पीसेस. तो जो भी मैं डेकोर पीस यूज़ करने वाली हूँ उसके अंदर एक दो डेकोर पीसेस में मुझे इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स चाहिए एंड सिंस मेरे को मल्टीपल सोर्सेस चाहिए तो मैं एक एक्सटेंशन बोर्ड यूज़ करूँगी जिसको मैंने दो नेल्स के थ्रू कन्वीनियंटली हैंग कर दिया है. नाउ आई एम प्लेसिंग 3 राउंड मैट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑन द टेबल टॉप. So now we are ready to put the decor pieces on the shoe rack. सो लेट्स स्टार्ट विद दीज फिगरीन जो सेटअप 3 में मैंने मीशो से परचेज की है। आई एम एडिंग दीज फिगरीन्स एंड पुटिंग दी LED लाइट्स इन इट। To add some colors to this area, apart from green and yellow, I am adding these two beautiful modern art paintings. ये modern art painting and ये figurine मैंने already अपने decor hall में share की हुई है, तो उस जिसका link मैंने आपको description box में share कर दिया है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। And if you like these product, आप conveniently buy कर सकते हैं Amazon and Meesho से। चलिए मूव ऑन करते हैं मिडिल वाले पोर्शन पर। तो मिडिल वाले मैट पर मैंने ये मेटल प्लांटर्स प्लेस करे हैं जिसको मैंने सेट ऑफ 2 में मीशो से बाय किया था। इन प्लांटर्स में मैं ये 2 ब्यूटीफुल सिंगोनियम प्लांट्स प्लेस कर रही हूँ। सो दिस इज़ अ वाटर फाउंटेन जिसको मैंने होम सेंटर से परचेज किया था फॉर अराउंड 900 रुपीज़। आई रियली वॉन्टेड टू एड अ वाटर फाउंटेन ओवर माई फॉयर एरिया। वाटर फाउंटेन सराउंडेड विद सो मच ऑफ ग्रीनरी बहुत ही सुकून वाला वाइब देता है, एंड दिस विल ऑल्सो हेल्प मी इन क्रिएटिंग अ ब्यूटिफुल अर्बन जंगल। मैं इस वाटर फाउंटेन में कुछ वाइट मार्बल्स रख रही हूँ जो मैंने एक लोकल शॉप से परचेज किए थे। इससे इस जगह की ब्यूटी और एनहांस हो जाएगी। Finally, adding some water in the water fountain to make it functional. Any jungle is incomplete without animals, so I am placing these beautiful elephant artifacts जो मैंने Amazon से purchase किए थे। Again, ये elephants का link मैंने already अपने decor haul video में share किया हुआ है, आप description box में check कर सकते हैं। Just to give a warm look to this area, मैं middle वाले portion पर fairy lights add कर रही हूँ। ये फेरी लाइट्स में स्मॉल फ्लावर्स हैं और ये पूरी फेरी लाइट मैंने मीशो से परचेज करी थी। एंड दिस इज़ एन इलेक्ट्रिक फेरी लाइट जिसको आप डायरेक्टली पावर में प्लग इन कर सकते हो, कोई बैटरी से ही ऑपरेट नहीं होती है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लेफ्ट पोर्शन ऑफ दिस शो रैक जहाँ पर मैं ये ब्यूटीफुल सिरामिक प्लांटर्स प्लेस कर रही हूँ जो मैं खुर्जा से लाई थी। खुर्जा की वीडियो का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। अगर आप लोगों ने मेरी खुर्जा की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ डू वॉच इट गाइज, उसमें बहुत ही अच्छे आइटम्स मैंने शेयर करे हैं। ये सिरामिक प्लांटर्स भी मैंने अपने फॉयल एरिया के थीम के अकॉर्डिंग परचेज किया था, विच इज़ इन गोल्डन एंड येलो कलर कॉम्बिनेशन। एंड इसमें मैं ये आर्टिफिशियल जिप्सोफिलिया प्लास्टिक्स ऐड कर रही हूँ जो मैंने मीशो से परचेज करी थी, जस्ट टू ऐड कलर्स टू दिस एरिया। लुक एट इट गाइस, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये सिरामिक प्लांटर्स। इट्स टाइम फॉर द फाइनल लुक गाइस। And I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen, the other 11 something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the... अगर आपको मेरा ये मेकओवर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो आपको इस मेकओवर का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।